हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज के पकौड़े की सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को काट लिया है और यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, तीन हरी मिर्च इसको भी बारीक काट लिया है, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे और प्याज को इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम इसी में डाल देंगे, बेसन को भी इसमें डाल देंगे। पानी लेंगे थोड़ा सा, और इनको हाथों से मिला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए पकौड़े को बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और तवे को इस पर रख देंगे। तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इस बैटर को लेंगे, इस तरह से दबाकर तवे पर रखेंगे। इसी तरह से सारे को हम कर लेंगे। ये देखिए, अब इनको हम अच्छे से सेक लेंगे। इसके किनारे पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब इसको पलट कर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, नीचे की तरफ से अच्छे से सिक चुका है। दूसरे साइड से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। चलिए इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से हो चुका है ये। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी बार भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए, इसको हमें एकदम पतला करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे प्याज के टिक्की को अच्छे से सेक लिया है। अब हम कढ़ाई को इस पर रख देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। तेज पत्ता को भी डाल देंगे, जीरा और कड़ी पत्ता। और इनको भून लेंगे। दोस्तों, तब तक हम मसाले को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो प्याज कट कर लिया है, ज़ीरा लिया है, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा शिमला मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे, देखो अच्छे से पीस लेंगे। ठीक दोस्तों, मैंने मसाले को पीस लिया है। अब मसाले को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको मिलाकर अच्छे से इसमें डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिया है, इसको कट कर लिया है, और टमाटर को भी अच्छे से पीस लेंगे। मैंने टमाटर को भी अच्छे से पीस लिया है। अब चलिए मसाले को भून लेते हैं। इसमें नमक डाल देंगे, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है। नमक हम पहले इसमें भी डाल चुके हैं। तो चलिए मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे।
थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको मिलाकर इसी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा टमाटर कच्चा ना रहे। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें हम अब पानी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा अब हम गरम मसाला डाल देंगे। अब इनको हम ढक देंगे। तो चलिए दोस्तों, 7 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम ग्रेवी को देख लेते हैं। हमारा ग्रेवी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम पकोड़े को डाल देंगे। ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे। अब हम सभी को देख लेते हैं। हमारा ग्रेवी और भी गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसको एक कटोरी में निकालेंगे, फिर से गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। इस पर कलछी को रख देंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 लाल मिर्च लेंगे, थोड़ा सा सरसों लेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम तड़के को इस पर डाल देंगे। ये देखिए, हमारा प्याज के पकौड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी बनकर अब बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।